फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से मेरे बबलीज ब्यूटीफुल गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो प्लांट दिखा रही हूँ बहुत ही डिफरेंट सा लग रहा होगा आपको, और पता नहीं शायद आप लोगों के पास भी है या नहीं, और इसका बॉटनिकल नेम ही पता है हमें, हिबिस्कस म्यूटा ब्लिस इसको बोलते हैं। तो अगर शायद आप लोगों के घर में भी ये प्लांट है तो हमें बताना कि इसका और क्या नाम है, क्योंकि दूसरा नाम तो हमें भी नहीं पता। लेकिन बहुत ही सुंदर सा प्लांट है और लगभग 2 साल इसको हमारे यहाँ पर हो गए, बट इस पर ना फ्लावरिंग नहीं हुई है, पर इस पर बहुत अच्छा फूल खिलता है और वो रंग बदलता है, ऐसा बताया था हमें नर्सरी वाले ने, बट अभी तक इस पर फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो कब इस पर फ्लावरिंग हो गई होगी ये भी नहीं पता। तो अगर आपके यहाँ किसी के यहाँ पर ये प्लांट है तो प्लीज़ हमें बताएं कि इस पर कितने टाइम के बाद फ्लावरिंग होगी, क्योंकि बहुत मेच्योर तो ये हो चुका है। देखिए कितनी इसकी जी इस टाइम से कितनी मोटे मोटे हो गए ना, क्योंकि 2 साल तो हो गए हैं इस प्लांट को, अच्छा सा मेच्योर सा प्लांट हो गया है। और बस हमने इसको अभी तक कुछ इसकी कटाई छटाई, कोई प्रूनिंग कोई पिंचिंग कुछ नहीं की है। जैसे ये हमने नर्सरी से छोटा सा लिया था ऐसे ही अपने आप से ये ग्रो हो रहा है, तो हमने इसको और बाकी कुछ नहीं किया है। और हर 15 दिन के बाद, महीने के बाद हम इसको चेक करते हैं कि कहीं कोई बर्ड्स तो इसमें नहीं आए हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे इसमें ना बर्ड्स से आ गए हैं, ऐसा लगता है कभी कभी, लेकिन वो बर्ड्स नहीं होते हैं। तो अगर आप लोगों के घर में ये प्लांट है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं कि इस पर कब फूल आएगा। फूल इसका बहुत सुंदर होता है, आप अगर देखेंगे ऑनलाइन तो शायद आपको पता चल जाएगा, हिबिस्कस म्यूटा ब्लिस के नाम से अगर आप देखना, बहुत ही सुंदर सा फूल होता है इसका, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक नहीं आया। वैसे इस प्लांट की अलग ही एक खूबसूरती है, देखिए इसके जो ये लीव्स हैं कितने सुंदर हैं ना, लगभग 4 तरह के इस पर ये लीव्स हैं। ये देखिए कितना सुंदर है ये वाइट कलर, और एक इसकी खूबसूरती अलग ही है। फूल नहीं भी आ रहे हैं तब भी इतना सुंदर लग रहा है, सारे प्लांट्स में बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखिए इसमें 4 तरह के लीव्स हैं, ये देखिए वाइट है, ये कॉफ़ी कलर है, और इसमें ग्रीन भी है वेरीगेटेड है ना, येलो भी है, ये देखिए इस तरह से निकल रहा है। तो 4-5 तरह के लीव्स इसमें अपने आप ही आ रहे हैं, सब वेरीगेटेड से हैं। ये देखिए जब आते हैं ना न्यूली लीव्स तो ये ऐसे होते हैं, ये देखो कितने सुंदर, सबसे पहले तो देखो इसमें ये कलर आता है ये इस टाइप का, ठीक है, फिर ये थोड़ा थोड़ा ग्रीन सा भी होता है, ठीक है, ये देखिए इस तरह ग्रीन, फिर लास्ट में थोड़ा सा ये ऐसे वाइट भी होता है, ये देखिए इधर ये इस तरह से कॉफ़ी कलर भी होता है। पता नहीं कौन सा जो इसका लीव्स है कब इसका कलर चेंज होता है पता नहीं चलता, लेकिन देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। लास्ट में देखिए ये इस टाइप से हो जाते हैं, लास्ट में तो ये ग्रीन ही से हो जाते हैं, लेकिन जो भी ये इस तरह के लीव्स निकल रहे हैं ये तो सचमुच से ही देखिए कितने डिफरेंट लग रहे हैं ना। इस एक स्टैम्प में ही 4-5 कलर हैं, वाइट है, कॉफ़ी कलर है, ग्रीन है, और ये येलो है, और हाँ बस इतने तो हैं ही। और तो अलग तो है थोड़ा सा प्लांट, बहुत अच्छा सा लगता है मुझे, और बहुत अच्छा सा बड़ा भी हो गया है ये देखिए। बस इंतज़ार है कि इस पर कब फ्लावरिंग होगी, और हम लोग वेट कर रहे हैं। तो मैंने इसका वीडियो इसीलिए बनाया कि अगर इसका कोई और नाम है आपके घर पर है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजें, ताकि हम भी इसको उस नाम से बोलें। वैसे हम लोग इसे हिबिस्कस ही बोलते हैं, कोई इसे जंगली हिबिस्कस भी बोलता है, और वैसे बॉटनिकल नेम तो इसका है ही म्यूटा ब्लिस, तो हिबिस्कस म्यूटा ब्लिस सॉरी। तो देखें आप प्लीज़ बताएं मुझे इसके बारे में, और बहुत ही सुंदर प्लांट है, वैसे फूल नहीं खिल रहे लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रहा है, अलग सा है डिफरेंट सा है। तो मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर ज़रूर करते हैं, तो मुझे ज़रूर बताएं ये कैसा लगा मेरा ये वीडियो, स्पेशली मेरे हिबिस्कस म्यूटा ब्लिस के लिए जो मैंने बनाया था। और मुझे ये भी बताएं कि इसका नाम क्या है, और इसके बारे में ये भी बता दें कि फूल कब खिलता है, कैसा खिलता है, और अगर है तो प्लीज़ फूल के साथ इसकी एक पिक भी भेज दें, है ना, तो अच्छा लगेगा मुझे भी, क्योंकि हम इसलिए अभी तक इसकी हमने ना कोई प्रूनिंग नहीं किया है, पिंजिंग विंजिंग कुछ नहीं करते हैं, कि पता नहीं कब इस पर फूल आ जाए, तो बस वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।